शाहरुख खान की बीवी गोवी खान को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। गोवी खान लखनऊ की रियल इस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी पर कस्टमर्स और बैंक का तकरीबन 30 करोड़ रुपए हड़पने का इल्जाम है। इस कंपनी की जांच के दायरे में गोवी खान भी आ रही हैं। गोवी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लखनऊ के सुशाम गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले शहवी ने साल 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था, जिस पर उस शहवी का इल्जाम है कि कंपनी ने ना तो उन्हें कब्जा दिया ना ही रकम वापस की, जिसकी वजह से उसने तुलसियानी ग्रुप पर अपना मुकदमा दर्ज कर दिया। ईडी की तरफ से भेजे गए नोटिस में गोवी खान से पूछा गया है, तुलसियानी ग्रुप ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये पैसे कैसे उनको दिए गए हैं, इसके लिए क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दिखाने के लिए कहा गया है। नोटिस में ये भी पूछा गया है कि तुलसियानी ग्रुप ने उनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम शेयर की है।